आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2016 में रिलीज हुई अ क्योर ऑफ वेलनेस मूवी, जो कि एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग है 6.4 आउट ऑफ 10। इस मूवी में हमें एक ऐसे अजीब वेलनेस सेंटर को दिखाया जाता है जहाँ जाने के बाद कोई भी वापस नहीं आना चाहता। इस वेलनेस सेंटर में ऐसा क्या है, ये जानने के लिए मूवी की एक्सप्लेनेशन स्लैश समरी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें मूवी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने करियर को लेकर काफी एम्बिशियस होता है। इसका नाम वॉलहार्ट होता है जो कि एक बड़े फाइनेंशियल कंपनी का एग्जीक्यूटिव होता है। कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट डील्स को हैंडल करने के लिए कंपनी के CEO मिस्टर पेम्ब्रो के सिग्नेचर की जरूरत होती है, लेकिन मिस्टर पेम्ब्रो 2 हफ्तों के लिए स्विट्जरलैंड के एक वेलनेस सेंटर में अपनी मानसिक थकान को दूर करने के लिए गए हुए थे, पर वो अभी तक वापस नहीं आए थे। लेकिन जब कंपनी के बोर्ड मेंबर्स को मिस्टर पेम्ब्रो की चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा था कि अब वो वापस नहीं आना चाहते, ये पढ़ने के बाद बोर्ड मेंबर्स लॉकहार्ट को पेम्ब्रो को वापस लाने के लिए भेज देते हैं। लॉकहार्ट वहाँ नहीं जाना चाहता था, पर लॉकहार्ट ने अपने पास्ट में कई फाइनेंशियल फ्रॉड किए होते हैं जिससे बचने का एक ही तरीका होता है कि अपने बोर्ड मेंबर्स की बात मानना ताकि वो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही ना करे। इसके बाद वॉलहार्ट स्विट्जरलैंड पहुँचता है और एक टैक्सी रेंट लेकर उस वेलनेस सेंटर की ओर जाने लगता है जो कि गाँव से दूर एक पहाड़ पर बना था। वहाँ जाते समय एक लड़का उनकी कार पर बियर की बॉटल फेंकता है। वॉलहार्ट ड्राइवर से पूछता है कि इनका बिहेवियर ऐसा क्यों है, और वो ड्राइवर बताता है कि जो लोग हिल पर रहने आते हैं गांव के लोग उन्हें पसंद नहीं करते। इसका कारण 200 साल पहले का इतिहास है। अभी जो वेलनेस सेंटर है वो बहुत पहले एक किला हुआ करता था जहां पर नवाब रहा करते थे। उनका जो आखिरी नवाब था वो अपनी शाही खून को लेकर काफी पॉसेसिव था। वो मानता था कि अगर उसने किसी और से शादी की और बच्चे पैदा किए तो उसका शाही खून खराब हो जाएगा, इसलिए वो चाहता था कि उसकी सगी बहन उसके बच्चों की माँ बने, जो कि ऑब्वियसली गलत बात थी। और नवाब अपनी सगी बहन से शादी करने वाला होता है तभी वहाँ पर गांव के लोग आ जाते हैं और ऐसे पाप को रोकने के लिए उसकी बहन को नवाब के सामने जिंदा जला देते हैं और उसके पूरे किले को भी आग लगा देते हैं। अब वॉलहार्ट उस वेलनेस सेंटर वाले स्पा में पहुँचता है, लेकिन वहाँ पर ट्रीटमेंट करा रहे लोगों से मिलने का एक समय होता है जो कि खत्म हो चुका था, इसलिए वॉलहार्ट को पेम्ब्रो से नहीं मिलने दिया जाता। अब वॉलहार्ट उस स्पा के मैनेजर से मिलता है और बताता है कि वो बहुत दूर से मिस्टर पेम्ब्रो को अपने साथ ले जाने के लिए आया है क्योंकि उन्हें पेम्ब्रो से बहुत जरूरी काम है। लेकिन वो मैनेजर जिसका नाम पीटरसन होता है वो बताता है कि मिस्टर पेम्ब्रो शाम के 7 बजे अवेलेबल होंगे, अगर आप तब तक उनका वेट कर सकते हैं तो आप मिस्टर पेम्ब्रो से मिल सकते हैं। वॉलहार्ट के पास वेट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो मान जाता है। उस स्पा में कोई नेटवर्क नहीं आ रहा होता, इसलिए वॉलहार्ट कॉल करने के लिए वापस से अपने होटल की ओर निकल जाता है। पर होटल जाते समय वॉलहार्ट की कार से एक हिरन टकरा जाता है और वॉलहार्ट की कार क्रैश हो जाती है। अब 3 दिन बाद वॉलहार्ट को होश आता है और वो अपने आप को स्पा में ही पाता है। तभी वॉलहार्ट की मुलाकात इस स्पा के डायरेक्टर से होती है जिसका नाम हेनरी वॉलमर होता है, जो उसे बताता है कि एक्सीडेंट में उसका एक पैर फ्रैक्चर हो चुका है और उसने ये खबर उसके ऑफिस में दे दी है, तो उसको ऑफिस की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो लॉकहार्ट को उनके ठीक होने तक उनकी स्पा की ट्रीटमेंट को ट्राई करने को बोलता है और ढेर सारा पानी पीते रहने को भी बोलता है और बताता है कि यहाँ के पानी में बहुत से न्यूट्रिशन है जो बॉडी के बहुत से प्रॉब्लम्स को ठीक करते हैं। और ये बताकर वो लॉकहार्ट के रूम से चला जाता है और लॉकहार्ट पानी पीने लगता है। पानी पीते समय लॉकहार्ट नोटिस करता है कि उसके पानी में एक छोटा सा कीड़ा है, पर वो उस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए पेम्ब्रो को ढूंढने चला जाता है और देखता है कि सभी लोग वहाँ के हाइड्रो ट्रीटमेंट को काफी इंजॉय कर रहे हैं। लॉकहार्ट घूमते हुए स्टीम बाथ की ओर चला जाता है जहाँ उसकी मुलाकात मिस्टर पेम्ब्रो से होती है और दोनों कंपनी के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने लगते हैं और लॉकहार्ट फाइनली पेम्ब्रो को वापस ले जाने के लिए कन्विंस कर लेता है। इसके बाद लॉकहार्ट की वहाँ के कुछ मरीजों के साथ भी जान पहचान होती है, जैसा कि मिस्टर वॉटकिन और एक प्यारी सी लड़की हैना। वॉलहार्ट बताता है कि मेरा काम पूरा हो चुका है और मैं जल्द ही वापस चला जाऊंगा। इस बात पे हैना बोलती है कि यहाँ से आज तक कोई वापस नहीं गया है। इसके बाद लॉकहार्ट पेम्ब्रो से मिलने जाता है, पर पेम्ब्रो से कहीं नहीं मिलता और वो सीधे डाइनिंग हॉल में जाता है जहाँ पर सभी लोग डिनर कर रहे थे और हेनरी से पूछता है कि पेम्ब्रो कहाँ है, और हेनरी बताता है कि पेम्ब्रो की कंडीशन खराब हो गई है क्योंकि तुमने उसे फिर से मेंटल स्ट्रेस दिया है। और लॉकहार्ट चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम सिर्फ अमीर पैसे वालों को ट्रीटमेंट के नाम पर लूटते हो और मैं पेम्ब्रो को यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। तभी उसके नाक से खून निकलने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और अगले सीन में हम हेनरी को देखते हैं जो लॉकहार्ट का ट्रीटमेंट कर रहा था। ट्रीटमेंट के टाइम लॉकहार्ट नोटिस करता है कि हेनरी के टेबल पर हैना की फोटो है और लॉकहार्ट हेनरी से हैना के बारे में पूछता है और हेनरी हैना को एक स्पेशल केस बताता है और हेनरी लॉकहार्ट को ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट लेने का सजेशन देता है क्योंकि लॉकहार्ट के रिजल्ट्स कुछ अच्छे नहीं थे और लॉकहार्ट ट्रीटमेंट के लिए मान जाता है। लेकिन साथ ही साथ लॉकहार्ट पेनब्रू की ट्रीटमेंट वाली फाइल को चुपके से अपने पास रख लेता है। इन सब के बीच लॉकहार्ट ये भी नोटिस करता है कि यहाँ की स्टाफ हेनरी और यहाँ तक कि हैना भी एक ब्लू वाटर का यूज करती थी और पूछे जाने पर उसने उसे विटामिन की सिरप बताया था। अब लॉकहार्ट की ट्रीटमेंट चालू होती है और उसे एक बड़े से वाटर टैंक में डाल दिया जाता है और बताया जाता है कि इस ट्रीटमेंट के दौरान लोगों को बहुत से इल्यूजन होते हैं, तुम इस बात से मत घबराना, और उसे टैंक में डाल दिया जाता है। कुछ देर बाद लॉकहार्ट को अपने टैंक के अंदर ईल मछलियां दिखती है जिसके कारण लॉकहार्ट पैनिक हो जाता है और वहां से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है जिसके कारण उसका ऑक्सीजन सप्लाई वाला पाइप निकल जाता है और लॉकहार्ट पानी में डूबने वाला होता है। तभी वहां की स्टाफ उसे बाहर निकालते हैं और लॉकहार्ट बाहर आकर फिर से टैंक के अंदर देखता है पर उसे वहां पर कोई ईल मछली नहीं दिखती। वहां से जाने के बाद लॉकहार्ट की मुलाकात फिर से मिसेस वॉटकिन से होती है और वो दोनों नवाब और उसकी बहन के बारे में बात करने लगते हैं और मिसेस वॉटकिन बताती है कि गांव वालों ने ये जगह सिर्फ इसलिए नहीं जलाई थी कि नवाब अपनी बहन से शादी करना चाहता था बल्कि उस किले में काम करने वाले लोगों के ऊपर नवाब एक्सपेरिमेंट किया करता था और गांव के लोग भी मिसिंग हो रहे थे और उनमें से कुछ लाशें गांव वालों को मिली थी जो कि काफी बुरी हालत में थी। जैसे इजिप्ट की मम्मीज के शरीर को पूरी तरह सुखा दिया जाता था ठीक वैसे ही। ये बात बोलकर मिसेस वॉटकिन अपने ट्रीटमेंट के लिए चली जाती है। इधर लॉकहार्ट फिर से हैना से मिलता है और हैना को टाउन तक अपनी साइकिल से लिफ्ट देने को बोलता है और वो दोनों एक लोकल पब में आते हैं जहां लॉकहार्ट हैना को बियर ऑफर करता है। हैना के लिए ये सब फर्स्ट टाइम था जब वो किसी लड़के के साथ अकेले स्पा से बाहर आई है और बियर पी रही है क्योंकि हैना को स्पा से बाहर जाना अलाउ नहीं था। लॉकहार्ट हैना से उसके माता पिता के बारे में पूछता है और हैना बताती है कि मुझे जन्म देते समय मेरी माँ मर गई और हेनरी बोलता है कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मेरे डैड मुझे लेने आएंगे। लॉकहार्ट यहाँ पर इसलिए आया था ताकि वो पेम्ब्रू की फाइल को किसी डॉक्टर को दिखा सके। पब के मालिक से उसे एक जानवर के डॉक्टर के बारे में पता चलता है और लॉकहार्ट हैना को उसका इंतजार करने को बोलकर उस डॉक्टर के पास चला जाता है और वो डॉक्टर फाइल देखकर बताता है कि क्रॉनिक डिहाइड्रेशन के कारण उसका दांत सड़कर टूट रहा है। ये जानकर लॉकहार्ट काफी शौक होता है क्योंकि स्पा में सभी को ढेर सारा पानी पीने को दिया जाता था तो ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन तभी उसे 200 साल पहले नवाब के द्वारा किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट के बारे में याद आता है और लॉकहार्ट को लगता है कि इन दोनों केसों के बीच जरूर कोई कनेक्शन है। उस डॉक्टर से लॉकहार्ट को यह भी पता चलता है कि नवाब की बहन बीमार नहीं थी बल्कि उसे कुछ प्रॉब्लम्स थे जिसके कारण उसे बच्चा नहीं हो रहा था और नवाब इसी के इलाज खोज रहा था। इसके बाद लॉकहार्ट पब में वापस आता है और न्यूयॉर्क कॉल करता है ये जानने के लिए कि पेम्ब्रू को ऐसी कोई बीमारी थी या नहीं और उसके ऑफिस से पता चलता है कि पेम्ब्रू अपनी सेहत का काफी ध्यान रखा करता था इसलिए उसे ऐसी कोई बीमारी नहीं हो सकती थी और उसे ये भी पता चलता है कि किसी ने भी उसकी एक्सीडेंट की खबर के बारे में उसके ऑफिस में इन्फॉर्म नहीं किया था मतलब हेनरी झूठ बोल रहा था। और इधर पब में पहली बार गाना सुनकर हैना डांस करने लगती है जिसे देखकर गांव का एक बदमाश लड़का हैना को छेड़ने लगता है और लॉकहार्ट ये देखता है और उसके और उस लड़के के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पर हेनरी आ जाता है और उन दोनों को वापस से स्पा ले जाता है। उसी रात हेनरी का एक दांत सड़कर टूट जाता है और वो खुद के सवालों का जवाब ढूंढने के लिए स्पा के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में चला जाता है। वो एक रूम में जाता है जहाँ पर मिसेस वॉटकिन होती है। वो लॉकहार्ट को बताती है कि नवाब की बहन प्रेग्नेंट थी पर गांव वालों ने उसके पेट को काट कर उसके बच्चे को पानी में फेंक दिया पर वो बच्चा बच गया। अब लॉकहार्ट एक दूसरे रूम में जाता है जहाँ पर बहुत से लोगों को वाटर टैंक के अंदर रखा गया था और उन्हें कोई ऑक्सीजन सप्लाई भी नहीं दी गई थी मतलब शायद वो लोग मर चुके थे। उन्हीं के बीच लॉकहार्ट को पेम्ब्रू की बॉडी भी टैंक के अंदर दिखती है और लॉकहार्ट जब रूम से बाहर निकल रहा था तभी उसे हेनरी देख लेता है और उसे जबरदस्ती बांध कर उसके एक और दांत को ड्रिल करके उखाड़ देता है। उसी दिन लॉकहार्ट जैसे तैसे स्पा से बाहर निकल जाता है और उसे बाहर वही टैक्सी वाला दिखता है। वो उसकी कार में बैठकर नीचे टाउन में आ जाता है और वहां के पुलिस को सब कुछ बताता है जो उसने अपनी आंखों से देखा था। तभी कुछ देर बाद यहाँ पर हेनरी आ जाता है जिसे कि उसी पुलिस ने इन्फॉर्म किया था क्योंकि वो पुलिस वाला भी हेनरी से मिला होता है और हेनरी के साथ पेम्ब्रू भी आया हुआ था जिसे लॉकहार्ट ने मरा हुआ समझा था और पेम्ब्रू लॉकहार्ट पे ये इंजाम लगाता है कि वो उसे जबरदस्ती यहाँ से ले जाना चाहता है और लॉकहार्ट परेशान हो जाता है और उसके पास और कोई चारा नहीं होता और उसे फिर से स्पा में जाना पड़ता है। उसके बाद लॉकहार्ट की प्रॉपर
हाइड्रो ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है। वो भी धीरे धीरे पेनब्रू की तरह अपने आप को बीमार समझने लगता है और उसे लगने लगता है कि उसे ठीक होने के लिए यहीं रुकना होगा। पर एक दिन लॉकहार्ट को अपने पापा की याद आती है जिन्होंने सुसाइड कर लिया था क्योंकि उन पर झूठे आरोप लगाए गए थे, और लॉकहार्ट डिसाइड करता है कि वो उम्मीद नहीं छोड़ेगा और सच्चाई जानकर रहेगा। और वो अपने पैरों पर लगे प्लास्टर को भी निकाल देता है और देखता है कि उसके पैर कभी टूटे ही नहीं थे। और लॉकहार्ट नोटिस करता है कि हर रात एक आदमी डेड बॉडीज को एक गोदाम के अंदर ले जाता था। और एक दिन लॉकहार्ट उस गोदाम में को चेक करने जाता है और देखता है कि वहाँ पर बहुत सी लाशें पड़ी हुई है जो कि पूरी तरह से सूखी हुई थी। उन बॉडीज के बीच मिसेस वॉटकिन की लाश भी होती है। और लॉकहार्ट देखता है कि कोई उन लाशों को पानी में फेंक रहा है, जिसके बाद पानी में तैर रही ईल मछलियाँ उन्हें खा रही है। तभी वहाँ का गार्ड लॉकहार्ट पर हमला कर देता है, लेकिन लॉकहार्ट उसे मार कर वहाँ से निकल जाता है। अब हमें हैना को दिखाया जाता है जो कि स्विमिंग पूल में नहा रही थी। तभी उसे पीरियड्स आ जाते हैं और ब्लडिंग होने लगती है, और तभी वहाँ पूल में ईल मछलियाँ आ जाती है। पर अजीब बात ये थी कि वो ईल मछलियाँ उस पर हमला नहीं कर रही थी बल्कि उसके चारों ओर घूमने लगती है। और हैना इस सब से डर कर पूल से बाहर आ जाती है। चूंकि हैना को पीरियड्स का कोई आइडिया नहीं था, इसलिए वो अपने आप को बीमार समझती है और सीधे हेनरी के पास डाइनिंग हॉल में जाती है। तभी वहाँ पर लॉकहार्ट आ जाता है और सभी लोगों को बताता है कि हेनरी उन सभी को बीमार कर रहा है। पर वो सभी लोग हेनरी को पीटने के बजाय लॉकहार्ट को पीटने लगते हैं, जैसे उन सभी को किसी ने हिप्नोटाइज कर रखा हो। इस सब के कारण लॉकहार्ट बेहोश हो जाता है और जागने पे अपने आप को एक एयर टाइट चैम्बर में पाता है। तभी वहाँ हेनरी आता है और लॉकहार्ट के मुंह में एक पाइप डाल देता है, जिसके थ्रू लॉकहार्ट के अंदर उसी ईल वाले पानी को डाल दिया जाता है। और फाइनली हेनरी लॉकहार्ट द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को मानता है कि वो नवाब के द्वारा किए गए आविष्कार का इस्तेमाल कर रहा है। हेनरी इसके लिए ऐसे लोगों को यूज करता था जो पैसे वाले हैं और उनको देखने वाला कोई नहीं है। पहले नवाब जो गांव के लोगों के साथ जबरदस्ती किया करता था, वो हेनरी उन लोगों को ये यकीन दिलाकर करता है कि वो सभी बीमार हैं और उनका इलाज कर रहा है। और हेनरी ईल मछलियों के बारे में भी बताता है कि कैसे ईल मछलियाँ दूसरी जगहों के पानी में महज कुछ सालों तक सर्वाइव कर पाती है, पर यहाँ के पानी में वो 300 साल तक बचती है। और ये ईल वाला पानी बहुत ही डेंजरस होता है और इसके इस्तेमाल से वो हेलुसिनेशन करने लगते हैं। लेकिन जब उस ईल वाले पानी को ह्यूमन बॉडी के अंदर अच्छे से छान लिया जाता है तो वो पानी शुद्ध हो जाता है और उसको लेने से उनकी उम्र बढ़ जाती है, जैसा कि लॉकहार्ट ने उन्हें विटामिन की तरह लेते हुए देखा था। अब हेनरी हैना के पास जाता है और हैना को एक नई ड्रेस गिफ्ट देता है और उसे बोलता है कि अब तुम तैयार हो चुकी हो। ये चीज हमें आगे पता चलेगी कि हेनरी ने ऐसा क्यों बोला। और हैना लॉकहार्ट से मिलने जाती है और लॉकहार्ट भी बाकी सभी पेशेंट की तरह बात करने लगता है कि ये जगह अच्छी है, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। अब रात को हेनरी एक पार्टी अरेंज करता है बाकी सभी स्टाफ के लिए और हैना को एक रूम में ले जाता है। और दूसरी ओर लॉकहार्ट को मिसेस वॉटकिन की बात याद आती है जहाँ उन्होंने बताया था कि वो बच्चा सर्वाइव कर गया था। और लॉकहार्ट को मिसेस वॉटकिन के नोट से एक पजल भी मिलता है जिस पर लिखा था सी डजंट नो। अब लॉकहार्ट को हेनरी का ऑफिस से एक फोटो मिलती है जो कि किले को जला देने के बाद उसे तैयार करते समय ली गई थी। उस फोटो में लॉकहार्ट को एक आदमी दिखता है जिसका चेहरा पूरी तरीके से पट्टियों से बंधा हुआ था और उसके साथ एक छोटी बच्ची भी थी, जिसे देखकर लॉकहार्ट को सब कुछ समझ आ जाता है। और इधर हेनरी हैना के हाथ पैर बांधकर उसका रेप करने की कोशिश करता है, और तभी वहाँ लॉकहार्ट आ जाता है और हैना को हेनरी की बेटी बताता है। मतलब हैना हेनरी की बेटी थी और हेनरी अपने शाही खून को बचाने के लिए अपनी ही बेटी के साथ रिप्रोडक्शन करना चाहता था। और लॉकहार्ट और हेनरी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और हेनरी अपने चेहरे से नकली स्किन को निकालता है और कन्फर्म हो जाता है कि हेनरी ही वो नवाब है जो उस विटामिन बोले जाने वाले पानी को लेने से अभी तक जिंदा था, क्योंकि ये दवा नवाब की बहन को भी दी जाती थी, इसलिए उसका बच्चा भी सर्वाइव कर जाता है। लेकिन नवाब की बहन आग की वजह से नहीं बच पाती और इसी दवाई के सहारे हेनरी और हैना 200 साल तक सर्वाइव कर जाते हैं। अब नवाब और लॉकहार्ट के बीच जो लड़ाई हो रही थी, इसी बीच लॉकहार्ट नवाब को आग लगा देता है और हैना को बचाने के लिए चला जाता है, और धीरे धीरे वो आग फैल रही थी। तभी नवाब अपनी आग बुझाकर लॉकहार्ट को मारते हुए उस ईल मछली वाले पानी के पास ले आता है और उसे पानी में फेंकने ही वाला होता है। तभी पीछे से हैना आती है और नवाब यानी उसके पिता को मारती है और वो ईल वाले पानी में गिर जाता है।
और ईल मछलियां उसे खाने लगती है। अब हैना और लोकहार्ट जल्दी से साइकिल लेकर स्पा से बाहर जाने लगे हैं। तभी एक कार के साथ उनकी टक्कर हो जाती है और उस कार के अंदर लोकहार्ट की कंपनी के बोर्ड मेंबर्स होते हैं जो स्पा आ रहे थे, क्योंकि वो सभी पेंड्रू और लोकहार्ट से कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहे थे। और लोकहार्ट उन्हें बताता है कि पेंड्रू मर चुका है। अब बोर्ड मेंबर्स के सामने कोई चारा नहीं था, इसलिए वो लोकहार्ट को अपने कार में बैठकर अपने साथ चलने को बोलते हैं, ताकि कंपनी में जो कुछ भी गड़बड़ हुए हैं उसका ब्लेम वो लोकहार्ट पर डाल सके, ठीक उसके पिता की तरह। पर लोकहार्ट उनके साथ जाने से मना कर देता है और हैना के साथ यहाँ से निकल जाता है और इस तरह ये मूवी खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।